हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें और सीखने को मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और पैरेलल वेक्टर होता है तो उनके वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होता है ये देखना है। फिर हम देखेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। फिर हम देखेंगे इक्वल वेक्टर, फिर कोइनिशियल वेक्टर, फिर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोला जाता है ये हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। फिर बात करेंगे हम पोजीशन वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है 1D में, 2D में, 3D में, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि द वेक्टर्स विच आइदर अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है। अब समझिएगा इसको, हम बोल रहे हैं कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों सेम लाइन के अलोंग हैं, तो इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। ओके, यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के अलोंग हो बट पैरेलल हो, ठीक है, अलोंग हो और पैरेलल हो, तो भी इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अच्छा एक बात इसमें और समझते हैं डायरेक्शन को लेके, कि कोलिनियर वेक्टर में सेम लाइन के अलोंग होनी चाहिए या सेम लाइन के अलोंग हो या फिर पैरेलल लाइन के अलोंग हो तो भी हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, ये बोलते हैं। बट इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है कि कोलिनियर वेक्टर में दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, बट ये अगर दोनों सेम लाइन के अलोंग होने चाहिए, ठीक है, तो भी हम बोलते हैं कि ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है अगर डायरेक्शन सेम है तो, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब भी हम इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, हम इन दोनों को भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक पैरेलल लाइन के अलोंग हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन के अलोंग हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों भी होंगे कोलिनियर वेक्टर और ये भी होंगे कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर की बात समझ में आई, ये होता है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर उन वेक्टर्स को बोला जाता है जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि दो कोलिनियर वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। तो चलिए हम सेकेंड की बात करते हैं, पैरेलल वेक्टर, तो बोलेंगे यहां पे टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ये बोला जाता है। जैसे यहां पे समझिएगा, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों
पैरेलल वेक्टर हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो हम इनको बोलेंगे ये भी पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कम हो या ज़्यादा हो, बट ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, मीन्स डायरेक्शन अगर सेम हो, तो पैरेलल वेक्टर होंगे। इनकी लेंथ या मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा कुछ भी हो चल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा थीटा, वो आता है 0 डिग्री। आप इस बात को समझिएगा, जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों देखिए ऐसे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल, देखिए इसका ये हेड है, इसका ये हेड है, तो जब देखिए ऐसे होता है, इस तरीके से लाते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का हेड अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो, तो ये आता है 180 डिग्री। अगर एक ऐसे हो और दूसरे का हेड उसके परपेंडिकुलर हो, तो ये आता है 90 डिग्री। तो ये समझ जाइएगा कि अगर दोनों का हेड सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। दोनों का हेड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 डिग्री होता है। दोनों का हेड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर पैरेलल वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और इसमें देख लेते हैं, फिर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे पैरेलल वेक्टर से रिलेटेड। देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है, हम बोल दे रहे हैं कि इस ये 20 न्यूटन का है, एक वेक्टर ये है 40 न्यूटन का। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे। चलिए, ये हो गया हमारा एक अब स्टैंडर्ड पॉइंट है पैरेलल वेक्टर के बारे में। ठीक है, देखिए कभी भी पैरेलल वेक्टर हो, अच्छा पहले समझ लेते हैं। देखिए एक वेक्टर हमें दिया गया है, हम ले लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ये दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आप इसे ध्यान से समझिएगा, हालांकि हमें कुछ नहीं पता है अभी ये सब क्या है, बट आप ये बस ध्यान रखिए कि ये ऐसे वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, और ये हमने लिखा a वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरीके से हम b वेक्टर एक और ले लेते हैं, ये है b x i कैप प्लस b y z कैप प्लस b z k कैप। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आती है। तो हम बोलते हैं कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा। देखिए, तो जो i कैप है इनका रेशियो और जो j कैप है इनका रेशियो और k कैप का रेशियो जो है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, कब, जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तब। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन बी जेड। ठीक है, तो इनका रेशियो आपस में बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है दो वेक्टर देखे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोई इनमें से अननोन क्वांटिटी रहेगी, उसी अननोन क्वांटिटी को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पैरेलल वेक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, कि एंटी पैरेलल वेक्टर किसे बोला जाता है। ठीक है, तो हम थर्ड देखते हैं अपना,
एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। तो हम यहाँ बोलेंगे कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये बात समझ में आई? दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। समझिएगा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को, ये दोनों पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी, देखिए लेंथ सेम है, लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, कोई ज़्यादा कोई कम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये भी एक दूसरे के पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों भी कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ओके। तो एंटी पैरेलल वेक्टर आपको बात समझ में आ गई। इसमें एक स्टैंडर्ड पॉइंट इसमें भी देख लें, तो देखिए हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल के बीच का जो एंगल होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है मींस थीटा, वो होता है 180 डिग्री। क्योंकि अभी हमने समझा था कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, देखिए सेम डायरेक्शन का मतलब ये, तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। लेकिन अगर एक वेक्टर ये दे दे और दूसरा वेक्टर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये दे दे, तो दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल एंगल, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, ओके। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। तो देखिए अगर हम इक्वल वेक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। तो समझ लेते हैं यहां पे, तो हम देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले ये तो लिख लें किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ है जिसका नाम है इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर। तो हम यहाँ बोलते हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम या फिर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। देखिए एक वेक्टर ये रहा, हम मान लेते हैं ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, ये है बी वेक्टर। देखिए दोनों की लेंथ सेम है, अगर हम इसकी लेंथ, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें L, और इसके भी मैग्नीट्यूड अगर L हो, तो देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन सेम। अगर यहाँ के लेंथ की बात करें मीन्स मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड या लेंथ भी सेम, तो इस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है इक्वल वेक्टर। ये बात समझ आई? ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड पॉइंट इसको देखिएगा, हम बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन्स ये ऐसे दूसरा भी ऐसे, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 0 डिग्री। ये बात समझ में आई? अच्छा, इक्वल वेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
ठीक है। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, सी सॉरी बी जेड के कैप, ये दिया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो क्या होता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे देन ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स, ठीक है। मतलब आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है कोफिशियंट है वो, और जो आई कैप का कोफिशियंट है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए ये बराबर होगा, जे कैप का भी कोफिशियंट आपस में बराबर होगा, मीन्स ए वाई इज इक्वल्स टू बी वाई। उसी तरीके से बराबर होगा ए जेड इज इक्वल्स टू बी जेड, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बोलते या फिर कोई भी अगर सपोज करिए कि अननोन क्वांटिटी आ जाए, जैसे इसमें से कुछ भी अननोन क्वांटिटी दिया हो और उसके बारे में पूछे, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर के। अब हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर के बारे में कि को इनिशियल वेक्टर किसे बोला जाता है। को इनिशियल वेक्टर, इसमें हम बोलते हैं कि वो वेक्टर्स जिनके ओरिजिनेट पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। तो हम यहां बोलेंगे द वेक्टर्स Which originate from same point are called co-initial vector. Co-initial vector. ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए इसको, तो मान लीजिए कि ये है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, एक वेक्टर यहाँ से निकला, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा, फोर्थ वेक्टर ये रहा। तो अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनेट पॉइंट सेम है, ठीक है। तो ये होता है को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए जीरो वेक्टर हम बोलते हैं कि ऐसे वेक्टर या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे बोला जाता है जीरो वेक्टर। तो बोलेंगे द वेक्टर whose magnitude is zero called zero vector। देखिए इसी को null vector भी बोला जाता है, zero vector या null vector, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि इसको denote किया जाता कैसे जाता है। तो हम बोलेंगे डिनोटेड बाई, देखिए ये ओ रहा, इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दीजिए, इससे डिनोट किया जाता है इसको, ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर की कि को प्लेनर वेक्टर किसे बोला जाता है। देखिए ये सब वेक्टर जो कुछ वेक्टर्स हैं इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो लगेगा कि नहीं इसकी इम्पोर्टेंस है हम उसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, और जो बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उनको वैसे ही देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे को प्लेनर वेक्टर के बारे में। को प्लेनर वेक्टर हम बोलते हैं कि द वेक्टर विच लाइज इन सेम प्लेन कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। ये बात सुन भाई। चलिए इसको हम देखते हैं
जैसे देखिए ये हमारा रहा एक्स और ये रहा वाई। तो जो ये एक्स और वाई है इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये बात समझ में आ रही है? चलिए यहीं पे तीनों समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जेड होता है, जेड होता है परपेंडिकुलर, इन्हीं के परपेंडिकुलर, तो ये जेड है। तो इस वाले प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये वाला जो प्लेन मिलेगा हमें ये वाई जेड प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन है इसको एक्स जेड प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक कोई ए वेक्टर है, फिर ये रहा बी वेक्टर और फिर ये रहा सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ये तीनों के तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं, तो हम इनको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को प्लेनर वेक्टर हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, देख यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब इम्पोर्टेंट काफ़ी है तो इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जो ये यूनिट वेक्टर होता है ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, आप इस पे स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अच्छे से हमें इसको देखना भी पड़ेगा। चलिए हम समझते हैं कि यूनिट वेक्टर किसे बोला जाता है। तो देखिए अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैप, मीन्स यूनिट वेक्टर को हम एक कैप के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हुआ कि एक वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देखिए हम ऐसे बोल देंगे कि ए कैप ये यूनिट वेक्टर है। बी कैप लिख देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अगर ए बी कैप लिख दें तो हम बोलेंगे कि ए बी ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, यूनिट वेक्टर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए ये जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर हमें कुछ और प्रोवाइड नहीं करता है, वो केवल हमें ये बताता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, केवल यूनिट वेक्टर से हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई वेक्टर ले लिया ए, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, हमें एक वेक्टर दिया है और फिर एक मैग्नीट्यूड दिया है, हमसे पूछता है कि यूनिट वेक्टर बताइए। तो देखिए होता क्या है, ए कैप लिखेंगे, ए कैप ये हमें प्रोवाइड करेगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ए कैप इज इक्वल्स टू ये वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड। तो ऐसे समझिएगा कि ए कैप हमें, हमने अभी देखा कि ये हमें प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन, ये है वेक्टर और ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए अगर हमसे कभी भी पूछ देता है कि वेक्टर बताइए कैसे आप निकालेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये होता है वेक्टर। मतलब अगर कभी हमें कोई वेक्टर बताना पड़ जाए तो हम सामने वाले से ये बोलेंगे कि आप मुझे मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर दो और डायरेक्शन प्रोवाइड कर दो, मैं आपको वेक्टर बना के दे दूंगा। ठीक है, ये होगा। तो ये समझ में आपको आया कैसे हो रहा है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमें वेक्टर कैलकुलेट करना पड़े तो हम बोलते हैं कि वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो ए कैप की डायरेक्शन होती है ना, वो जो डायरेक्शन ए वेक्टर की होती है, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही ए कैप की भी डायरेक्शन होती है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अ यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, सो इट हैज़ नो यूनिट, इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। इसके बाद इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर से केवल हमें डायरेक्शन ही मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अब इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन देखना होगा तो हम अभी देखेंगे, चलिए एक आध क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमें एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। बोल रहा है कि इसकी डायरेक्शन बताइए, या फिर हमसे ये बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए, मीन्स हमसे बोल रहा है कि a कैप क्या होगा वो बताइए। तो देखिए हमने अभी देखा था कि a कैप इज इक्वल टू होता है a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर निकालते हैं तो हम मॉड से करते हैं, ठीक है। मतलब इसी वेक्टर का अगर मॉड निकाल लें तो वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए मॉड निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, रूट में आई कैप का जो कोफिशियंट है, आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ 4 और 1, ये आ जाएगा रूट 9, और रूट 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ये बात समझ आई। अब देखिए हमें लिखना है ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए वेक्टर, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन 3, ठीक है। ये निकल के आ गया यूनिट वेक्टर, तो बस यही आंसर रखना, इतना ही सिंपल होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो देखिए ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मींस वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ओके। चलिए समझते हैं इसमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो हम बोलेंगे यहां पे यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हुआ इसकी डेफिनेशन। चलिए यहां पे समझते हैं कि हमने ये कोऑर्डिनेट बनाया, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये जेड, यही है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आता है वो हमेशा आई कैप आता है, हमेशा। y एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं यूनिट वेक्टर को तो बोलते हैं ये j कैप प्रोवाइड करता है, z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर मिलता है वो k कैप होता है, ठीक है। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में i कैप, y, j और z k कैप, ये बात समझ में आ गई। तो ये देखिए i कैप, j कैप और k कैप, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, देखिए फिर यहीं पे अगर हम इसको भी लगा दें तो ये भी इनके परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इनके परपेंडिकुलर, ये इनके परपेंडिकुलर और ये इनके परपेंडिकुलर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो हम बोलते हैं कि इससे जो कैप मतलब ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये जो डायरेक्शन मिलेगी वो यूनिट वेक्टर के थ्रू ही मिलेगी। तो देखिए हम पीछे भी देखे थे कि आई, देखिए यहाँ लिख रहे हैं आई कैप। आई कैप का मतलब ये है कि आई कैप हमें बताता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप बताता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन, और के कैप बताता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में कि पोजीशन वेक्टर किसे बोला जाता है। देखिए, अ वेक्टर दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। मीन्स हम ये बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेक्टर की पोजीशन को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए या फिर किसी भी पॉइंट को बताने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में हमें एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम बोलते हैं उससे पोजीशन वेक्टर। जैसे समझिए ये रहा, तो ये बी ले लेते हैं और ये ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं ये कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर में हमें क्या मिलता है ये, फिर ए बी वेक्टर से हमें क्या पता चलता है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि पोजीशन ऑफ बी मतलब बी जो पॉइंट है इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है ये ए बी वेक्टर से हमें पता चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि पोजीशन वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा हो, फिर ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ओ। हमें बताना है इसकी पोजीशन, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ये कोऑर्डिनेट है बी का। तो हमें ये बताना है कि बी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओ, या फिर हम अच्छा अगर ये हमें बताना पड़ जाए कि बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ तो हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर मीन्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ऐसे पढ़ा जाएगा। अब निकालते कैसे हैं वो देखिए, तो हम इसको निकालते ऐसे कि एक्स वन माइनस जीरो करते हैं, एक्स वन माइनस जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वन माइनस जीरो। अब देखिए ये एक्स एक्स है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होता है आई कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। तो एक्स एक्स वन माइनस जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे आई कैप, प्लस लिखते हैं वाई वन माइनस अगेन जीरो। तो देखिए वाई वन माइनस जीरो, अच्छा वाई डायरेक्शन में हम जे कैप लेते हैं, प्लस देखिए जेड वन माइनस जीरो, तो हम लेते हैं जेड वन माइनस जीरो और यहाँ से मिलता है के कैप। इतनी बात समझ आई, तो ये हमारा निकल के आ गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दे दें इस तरीके से कि ये जैसे एक वेक्टर एक यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे है, बट आप ना ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे ए वेक्टर जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन ये है। अच्छा, इनको ना पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, मतलब ये किस पोजीशन पे ए पॉइंट है वो ये बता रहा है। अच्छा, बी का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ये तो पोजीशन वेक्टर बी का है एक्स टू वाई टू और जेड टू। अब अगर हमें लिखना पड़े ए बी वेक्टर तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए
जब भी इनको लिखना हुआ तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का एक प्रॉपर वे होता है और वो वे पहले देखते हैं। ये ओ रहा मीन्स ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। ये अब हम क्या करते हैं, जिस भी पोजीशन को देखना होता है हमेशा हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। ये रहा ऐसे, ये तो देखिए अगर लिखना पड़े ए बी वेक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी ओ, जैसे देखिए ये रहा फिर ये ऐसे रहा, तो हम इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ए बी वेक्टर को आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं है लिखने का तरीका, ये नहीं लिखने का तरीका क्या है कि आप बी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेके चलिए। तो आप लिखेंगे जैसे बी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना हुआ, या इसे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, ठीक है। मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर। तो हम इसको बी वेक्टर ना लिख के हम इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस, तो ए वाली पोजीशन को लिखना पड़े तो हम ए ओ ए वेक्टर लिखेंगे, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये ए बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये एक लिखने का तरीका है और इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब समझते हैं ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, तो हम ना डायरेक्टली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि जब ये करेंगे तो x2 ही बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली देखते हैं x2 टू माइनस एक्स वन, तो हम लिखेंगे x2 टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y2 टू माइनस वाई वन, तो y2 टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस z2 टू माइनस जेड वन, तो z2 टू माइनस जेड वन ये आएगा k कैप, ठीक है। तो हमें अगर इस तरीके से पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करनी हो कि ओरिजिन के मतलब कि किसी प्लेन में या फिर स्पेस में, स्पेस में अगर ये पॉइंट दे दिए गए हैं और बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जा रहा है, तो फिर इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम इस मेथड के थ्रू करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब जैसे इसी चीज़ को हम समझते हैं 1D में, 2D में और 3D में, ठीक है, कि अगर किसी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी पड़े, किसी वेक्टर की पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़े 1D में, 2D में, 3D में, तो कैसे करते हैं ये हम समझते हैं, ठीक है। ये हम बना ले रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे जो ए है, वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेते हैं जो बी है, जेड एक्सिस पे पॉइंट लेते हैं जो सी है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिखते वक्त एक्स वाई और जेड लिखते हैं, ये प्रॉपर वे है, आपको ऐसे ही कोऑर्डिनेट लिखना होता है, सबसे पहले एक्स बाद में वाई फिर जेड, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी यूनिट है, ऐसे। तो अगर ए पॉइंट की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो लिखते कैसे हैं, सबसे पहले एक्स देखेंगे, तो एक्स का मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए है ना, तो एक्स के प्लेस पे ए आ जाएगा। वाई की बात करते हैं तो अब वाई कोऑर्डिनेट देखिए एक्स एक्सिस पे ना, जैसे अगर इस एक्सिस पे बात करें तो वाई की वैल्यू जीरो है, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है, तो इस पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा और जो z कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो होता है। मीन्स x एक्सिस पे केवल x की वैल्यू मिलती है, y और z की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। अब बात करते हैं b पॉइंट की, तो b पॉइंट में सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अब बात आती है y की,
तो y देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस b है, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी b। z जैसे y एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू जीरो होती है, ये हो गया जीरो। इसी तरीके से अगर c कोऑर्डिनेट की बात करें तो c मतलब z एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो, y की भी वैल्यू जीरो, और z की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस c दे रखा है, मतलब c। ये बात समझ आ गई। चलिए अब हम इसको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a माइनस जीरो, ये हमने देखा था a माइनस जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस जीरो आई कैप प्लस, अब देखिए जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो जे कैप प्लस, जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो के कैप। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप, बाकी वैल्यू जीरो है, मीन्स ओ ए वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप। बात समझ में आई। चलिए हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो आई कैप प्लस बी माइनस जीरो, देखिए ये बी है जीरो है तो बी माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो के कैप, ये आ गया। अब हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये जीरो ये भी जीरो, केवल बचा है बी जे कैप। ये बात समझ आ गई। इसी तरीके से अगर हम ओ सी वेक्टर की बात करें तो हम लिखेंगे ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए जीरो माइनस जीरो तो लिखेंगे जीरो माइनस जीरो आई कैप प्लस, अब देखिए जीरो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो तो जीरो माइनस जीरो जे कैप प्लस, देखिए सी माइनस जीरो तो लिखेंगे सी माइनस जीरो के कैप ऐसे। तो ओ सी वेक्टर आ जाएगा, देखिए ये भी जीरो तो केवल आएगा सी कैप, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी कैप। ये बात समझ में आई। अच्छा ये हम लिखना भूल गए थे, ये 1D की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल की, कि अगर वन डायमेंशन हो तो फिर कैसे वेक्टर कैलकुलेट या पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे 2D की, और 2D का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, टू डायमेंशनल अगर बोल रहा है मीन्स प्लेन की बात कर रहा है, वन डायमेंशनल बोल रहा है मीन्स एक स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा है या स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, वो किसी प्लेन की बात नहीं कर रहा है। अगर 3D की बात करते हैं तो 3D का मतलब होता है स्पेस, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो 3D में है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड, और सेकेंड हमारा है 2D यानी टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशनल या फिर प्लेन की बात करें या फिर हम इसको बोल देते हैं प्लेन। ठीक है, तो प्लेन में पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देख लेते हैं। तो देखिए चलिए समझते हैं, ये ऐसे है, ये एक्स है वाई है और ये जेड है। ठीक है, और ये रहा ओरिजिन। देखिए अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हम बोलेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी। पी पॉइंट हमें दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए एक्स और वाई तो होगा लेकिन जेड की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी। मीन्स हम यहाँ पे बोल दें ए कॉमा बी कॉमा जीरो। अच्छा जीरो जीरो का मतलब इस प्लेन में वाई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब हमें निकालना है ओ पी वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो हम लिखेंगे ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ए माइनस जीरो तो आएगा ए माइनस जीरो आई कैप प्लस बी माइनस, अच्छा ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो कमा जीरो कमा जीरो होगा, तो ए माइनस जीरो आई कैप बी माइनस जीरो, तो हम लिखेंगे बी माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो माइनस जीरो तो ये आएगा जीरो माइनस जीरो के कैप। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप बनेगा और यहाँ से बनेगा बी जे कैप,
लेकिन सी के मतलब के का तो आएगा ही नहीं, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए एक पॉइंट दे देता है यहाँ पे, इसको भी समझ लेते हैं, तो ये वाई जेड प्लेन होता, ठीक है, और ये मान लेते हैं क्यू पॉइंट है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है कुछ एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या आएगा, तो हम लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर। तो लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये आएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट मिलने वाला है उसको बी मान लेते हैं और जेड को सी मान लेते हैं, ऐसा। अब हमें निकालना है ओ क्यू वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, जीरो माइनस जीरो, तो लिखेंगे जीरो माइनस जीरो आई कैप प्लस बी माइनस जीरो, तो बी माइनस जीरो जे कैप प्लस सी माइनस जीरो, तो लिखेंगे सी माइनस जीरो के कैप। ये बात समझ में आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, तो बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये निकल के आ गया ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से चलिए हम एक्स जेड प्लेन में ले लेते हैं, तो एक्स जेड प्लेन में ये पॉइंट रहा कहीं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो हम इसको मान लेते हैं क्यू पी क्यू आर, आर पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पे देखिएगा एक्स जेड प्लेन की बात हो रही है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मीन्स ए की वैल्यू तो मिलेगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ होगी, वाई की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू सी ले लेते हैं। अब देखते हैं ओ आर वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए ए माइनस जीरो, तो ए माइनस जीरो आई कैप प्लस जीरो माइनस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जे कैप प्लस सी माइनस जीरो, तो लिखेंगे सी माइनस जीरो के कैप। बात समझ में आ रही है, तो ओ आर वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप प्लस, ये तो जीरो हो गया, तो सी के कैप, ठीक है, तो ये आ गया ओ आर वेक्टर। ठीक है, तो ये 2D में कैलकुलेशन था, तो 2D में हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद 3D की, कि 3D में क्या होता है, तो देखिए 3D का मतलब स्पेस होता है, और 3D में आपको X भी मिलेगा, Y भी मिलेगा और Z, तीनों कोऑर्डिनेट मिलते हैं 3D के अंदर। लेकिन 2D के अंदर की बात करते हैं तो 2D का मतलब प्लेन, और प्लेन में कोई एक कोऑर्डिनेट गायब रहता है, मीन्स केवल और केवल दो ही कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात कर पाते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 3D, और 3D का मतलब होता है स्पेस। यहाँ पे देखिए एक्स वाई और ये रहा जेड, ठीक है। अब स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिन है जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। अब स्पेस का मतलब यहाँ पे है, हम यहाँ पे तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम इसको यहाँ पे कहीं कर देते हैं, ये 3D में, ठीक है। तो ये है ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि 3D में x भी मिलेगा, y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और z कोऑर्डिनेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको आप P पॉइंट मान लीजिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे OP वेक्टर, मीन्स स्पेस में पोजिशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो OP वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा a माइनस जीरो, तो लिखेंगे a माइनस जीरो आई कैप प्लस b माइनस जीरो, तो लिखेंगे b माइनस जीरो जे कैप प्लस सी माइनस जीरो, तो सी माइनस जीरो के कैप। अब यहाँ पे लिख देंगे ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर ख़त्म हो जाता है, कुछ और होंगे तो उनके बारे में, वो इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए उनके बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो
अब हम इसके बाद बात करेंगे, जैसे एक दो एग्जांपल देख लें, इसके बाद हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बाद हम ये देखना है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट ए, कोई पार्टिकल है जो शुरुआत समय में ए जिसका कोऑर्डिनेट 2.4.6 मीटर है, मोस्ट फाइनली टू द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे आ जाता है फाइनली, जिसका कोऑर्डिनेट है 3.2.-3 मीटर, राइट द, अब देखिए हमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बोल रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताइए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये बताइए। बी की बात कर रहा है तो बी देखिए क्या बोल रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर बताइए, बोल रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सी हमसे पॉइंट पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल मतलब पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यह सब हमें बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर और उसके बाद बात करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर की। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से, ये एक्स है, वाई है और इधर कहीं जेड है, स्पेस में पॉइंट है, स्पेस में हम पॉइंट ले लेते हैं ये। ठीक है, तो ये पॉइंट, अच्छा स्पेस में ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए और ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2.4.6, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3.2.-3, ये दिए गए हैं। ठीक, अब चलिए हम समझते हैं, ये ओ है, ये ए था और ये बी है, फिर ये इनिशियल है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो एरो लगा देते हैं, फाइनल पोजीशन पे एरो होता है। ठीक है, हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताइए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हम बोल सकते हैं इसको ओ ए वेक्टर ऐसे। ठीक है, और ओ का कोऑर्डिनेट होगा 0.0.0, तो हमें कुल मिला के कैलकुलेट करना है ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर आ जाएगा 2-0, तो लिखेंगे 2-0 आई कैप प्लस 4-0, तो 4-0 जे कैप प्लस 6-0, तो लिखेंगे 6-0 के कैप, ये बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, आप ये लिखेंगे। तो जो ए का पोजीशन वेक्टर है यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो ये होगा, एक आंसर आ गया। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन बताइए या फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे ओ बी वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए 3-0, तो लिखेंगे 3-0 आई कैप प्लस 2-0, तो यहाँ लिखेंगे 2-0 जे कैप प्लस, अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा है, -3-0, तो -3-0 यहाँ पे आएगा के कैप। अब लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप बन जाएगा प्लस 2 जे कैप बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा -3 के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लिखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा है ये हमसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल बताइए, मीन्स
पार्टिकल पहले यहाँ था बाद में यहाँ आ गया है, तो बताइए कि उसने कितना डिस्प्लेस किया या कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, तो ए बी वेक्टर निकल के आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी वेक्टर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो हम इसको सी वाले को लिखेंगे ए बी वेक्टर। अच्छा इसको हम और लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है ऐसे लिखेंगे, ये हमने पीछे भी देखा था। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं ओ बी में से इसको घटा दीजिए तब भी ये निकल के आएगा, या फिर हम ए बी वेक्टर को डायरेक्टली भी कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 4 जे कैप प्लस -3 -6 लिखेंगे, तो -3 -6 के कैप ये आएगा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज 1 आई कैप प्लस, अब देखिए 2 माइनस 4 -2 -+ तो -2 j कैप ये बचेगा माइनस, देखिए -, तो ये 6 3 -9 हो जाएगा और -+ तो -9 k कैप, ये आ गया ए बी वेक्टर या ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ये ऐसे होगा। अब देखिए अगर इसको करना चाहते हैं तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से जब 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -3 में से 6 घटाएंगे तो -9 बचेगा। इससे करिए या डायरेक्टली करिए बात सेम है, लेकिन डायरेक्टली करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। अच्छा तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब देखते हैं हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं, बोल रहा है अ पार्टिकल हैज द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेशन, बोल रहा है कि 12 मीटर ईस्ट जा रहा है, जैसे हम ये बना लेते हैं ठीक है एक्स वाई और ये जेड, ये बन गया। यहाँ से बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, अरे यार इसको नहीं हम वही बना लेते हैं जो डायरेक्शन सेंस था वही, ये तो ये ईस्ट है वेस्ट है नॉर्थ है साउथ है। यहाँ से ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है 12 मीटर ईस्ट जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये 12 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ, ए पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसके बाद 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है तो ये 5 मीटर नॉर्थ हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर वर्टिकली इससे इधर की तरफ आता है 6 मीटर, ठीक है तो हम इसको डॉटेड में दिखा देते हैं ये 3D में कि ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है और इस ये बी पॉइंट है और इसको ले लेते हैं सी पॉइंट। अब समझिएगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, देखिएगा ये एक्स में जा रहे हैं ऊपर की तरफ वाई में और जब इधर की तरफ आएंगे तो ये एक प्लेन नहीं स्पेस में आ गए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये फाइनल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्स तो 12 होगा ठीक, y 5 होगा, z 6 होगा, तो ये आ गए फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब हमसे पूछ इसमें क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बोल रहा है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा।
तो देखिए ये था ओरिजिन, ठीक है, 0, 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट थे। तो यहाँ से बोल रहा है कि डायरेक्टली जो ये स्पेस में पॉइंट है इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी वेक्टर, ठीक है, फाइनली बीच वाली कोई बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट फाइनल और इनिशियल के बीच की बात होगी। तो 12-0 आएगा, तो 12-0 आई कैप होगा, प्लस 5-0 तो 5-0 जे कैप होगा, प्लस 6-0 तो लिखेंगे 6-0